तो पहली अपडेट के बारे में बात करते हैं राउंड टू हेल के बारे में। सो राउंड टू हेल आईआईटी बॉम्बे गए थे एक इवेंट के लिए, तो वहाँ पर जो उनको कुछ सवाल पूछा गया जैसे कि क्या वो नए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं लाइक वेब सीरीज वगैरह में, तो ये आप खुद सुन लो उन्होंने क्या कहा। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एलविश यादव के बारे में। सो एलविश यादव के साथ एक सीरियस इंसिडेंट हो गया जिसके बारे में उन्होंने अपने रीसेंट ब्लॉग में भी बताए, तो क्या हुआ था आप खुद सुन लो। अभी हमारे पीछे ना एक मर्सिडीज ई क्लास थी, उसका नंबर नहीं नोट भाई, उस गाड़ी ने हमारा कम से कम 10 सेकंड पीछा कराया भाई मजाक सेट के। अबे हमें थंबनेल नहीं निकल पाया उसका यार, थंबनेल चाहिए था। और भाई मुझे ऐसा लगा कि उनके पास हथियार भी थे। तो भाई क्या हो रहा है, हथियार लेके डोल रहे हैं पब्लिक यहाँ पे है ना भाई, मत क्या करो ब्लैक फॉर्च्यूनर भाई, चंडीगढ़ में ब्लैक फॉर्च्यूनर के पीछे गाड़ी ने हमारा पीछा करा भाई, गलत चीज है भाई, मत क्या करो यार, 10 सेकंड निकल कम करो यार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करने वाले पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो पुनीत सुपरस्टार कह रहे थे उनको भी बिग बॉस में आना है, जी उन्होंने इंस्टाग्राम पे वीडियो पोस्ट करके ये कहे। कलर्स वालों तुम लोगों का कुत्ता बना दूंगा, पूरे बिग बॉस को जो है शमशान घाट बना दूंगा, अगर 2023 के बिग बॉस में मुझे इनवाइट नहीं किया तो मुझे इनवाइट करो यार। सो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं एमसी स्टैन के बारे में। तो यहाँ पे जो एमसी स्टैन का हैदराबाद में 10 तारीख को परफॉर्मेंस है, तो जो लोग इंटरेस्टेड है एज सून एज अपना टिकट बुक करे। एमसी स्टैन के बारे में तो उनके गानों को जो है बॉलीवुड सॉन्ग से कंपेयर करे जा रहे हैं। यहाँ पे प्रीतम कुमार लिखते हैं, वेयर बॉलीवुड सॉन्ग स्ट्रगल टू टच 100 मिलियन मार्क, हियर एमसी स्टैन ट्रैक गॉट 100 मिलियन व्यूज एंड काउंटिंग, दैट्स एमसी स्टैन फॉर यू गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।